सबों का लिविंग हैप्पीली यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं अपने चैनल पर फिटनेस सीरीज के तहत व्यायाम क्यों करना, यह हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि सामान्य रूप से हम कौन कौन से व्यायाम दैनिक रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जिसके लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आप मेरे वीडियो को एक बार देख सकते हैं, देखते हुए व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम की जो फायदे हैं ये मैं ऑलरेडी बहुत ही विस्तार में हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर 30 मिनट प्रतिदिन हम अपने 24 घंटे में निकालें तो सचमुच यह जिंदगी हमारी और खूबसूरत हो जाए। तो इस व्यायाम के हमने तीन भाग में बांटा है, पहला वार्मिंग अप, दूसरा स्ट्रेचिंग अप एंड तीसरा योगा एंड आसन। अगर ये तीनों को एक परफेक्ट ब्लेंडिंग करके हम अपने दैनिक रूटीन में ले आए तो सचमुच ये जिंदगी खूबसूरत हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने वार्मिंग अप सेशन के लिए। इस वार्मिंग अप सेशन को बोलते हैं रनिंग ऑन द स्पॉट। ये कम से कम 5 से 6 मिनट का होना चाहिए। इसके दौरान हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जितना अगर शुरुआती दौर में हम कर रहे हैं तो जितना आराम से हम कर सकते हैं इतना ही करना चाहिए, और धीरे धीरे इस तरह से अपने बॉडी को पुश करना चाहिए। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन में ले जाना चाहिए। जो पैर है, पैर का एल्बो पोर्शन, ये पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए। आइए हम आपको शुरुआत करते हैं इस वार्मिंग अप एक्सरसाइज के दौरान। अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ कहना है, कुछ सुधार लाना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब देंगे और अगले वीडियो में निश्चित तौर पर सुधार लाएंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है इस फिटनेस सेंटर में। मैं नरेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं, और चलिए वार्मिंग अप एक्सरसाइज हमारे साथ प्रारंभ कीजिए। एक्सरसाइज के दौरान अपने शरीर को तना हुआ नहीं रखें, झुका हुआ भी ना रखें। यह कोशिश करें कि शरीर पूरा बैलेंस हो। जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना कीजिए और धीरे धीरे पेस बढ़ाइए। अपने उम्र के मुताबिक एक्सरसाइज कीजिए। बहुत ज्यादा तनाव शरीर पर आने मत दीजिए। इस तरह से रनिंग ऑन द स्पॉट 30 मिनट में से अगर हम 5 से 6 मिनट करें तो हमारा बॉडी काफी वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज आता है जो रनिंग ऑन द स्पॉट ही है और हमारे टम्मी के फैट को हटाने के लिए है। इसमें हम स्ट्रेट खड़ा हो जाएंगे। यह कम से कम 60 टाइम्स करेंगे। इस तरह से 50 से 60 टाइम कर लेने के बाद हम तीसरा एक्सरसाइज में जाएंगे। दोनों हाथ को सीधा, ये हमारे थाई को मजबूत करता है। एट टाइम्स इस तरह से हम करेंगे। चौथा एक्सरसाइज सेम सिटिंग डाउन, ये हमारे थाई के लिए है।
साइन करके बैठ जाएंगे और अपने एल्बो का मूवमेंट कर मिनिमम 50 टाइम्स करना होता है, जो इधर साइड मसल को मजबूत करता है और हमारे बॉडी को बैलेंस करने में भी मदद करता है। एक्सरसाइज के दौरान आप अपने हाइट के मुताबिक देख सकते हैं, इस तरह से 50